कवर्धा के लोहारीडी हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। बंद को सफल बनाने कांग्रेसी सड़कों पर निकले और व्यापारियों से समर्थन मांग कर दुकानें बंद करवाई। वहीं राजधानी के सबसे बड़े सब्जी बाजार शास्त्री मार्केट में बंद का कोई असर नहीं दिखा। राजधानी में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बता दें, पीसीसी चीफ दीपक बैज, महापौर एजाज ढेबर के साथ कांग्रेसी शास्त्री मार्केट, गंज मंडी, सदर बाजार, गोल बाजार, भनपुरी, फाफाडी, सैलेंद्रगंज, सिविल लाइन, रामसागर पारा समेत इलाकों में पहुंचकर दुकानदारों से दुकान बंद करने की अपील की। बता दें, इस बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन नहीं मिला है। इसके चलते दुकानें अपने समय पर खुल रही हैं। वही बंद को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि शहर में कवर्धा कांड को लेकर बंद का आह्वान किया गया है। आज सड़कों में निकलकर सभी मार्केट को बंद करवाया जा रहा है। आम जनता से जन समर्थन मांग रहे हैं। देता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता को, मैं धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ की व्यापारी संघ को, दुकानदारों को, जिन्होंने कम समय में कांग्रेस पार्टी की पूरे प्रदेश व्यापी बंद का उन्होंने समर्थन किया। और बस्तर से लेकर सरगुजा तक, राजनांदगांव मोहल्ला मानपुर से रायगढ़ तक पूरी तरह व्यापक बंद का असर हुआ है। ये लड़ाई कवर्धा के उन लोहारडी के उस साहू परिवार के लिए है जो 3 लोगों की मौत हुई और जहां तक कि पुलिस के पिटाई से प्रशांत साहू की मौत, इतना बेरहमी, बेदर्दी, मानवीयता से हद पार कर